ये क्लिपिंग है 21 जून यानी कि विश्व योग दिवस की। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा लेट जो है अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अपनी व्यस्तताओं के कारण इसे ना मैं उस दिन नहीं जो है अपलोड कर पाई। और योग जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में ना हमारी रहन सहन, खान पान सब कुछ जो है ख़राब हो चुका है। और ऐसे में अपने को स्वस्थ रखने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो है फ्रेंड्स योग। योग के बिना जो है हम स्वस्थ नहीं रह सकते, तो इसको हमें अपनी लाइफ में डेली रूटीन में शामिल करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो है अपना योग दिवस कुछ इस तरह से मनाया है फ्रेंड्स। मैं और श्रीमान जी इकट्ठे बैठ के हमने योग किया। आप लोगों ने जो है योग कैसे किया आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। या पानी लाओ, पकड़ा पाइप, कहने बरखा भी लगी। भगवान का तुम कष्ट नहीं देता, देखा चका चका पाइप कहने उपराले लगी बरखा। ये देखिए फ्रेंड्स ना, पाइप थोड़ी छोटी है तो श्रीमान जी ने कैसे ट्रिक्स जो है इसमें लगा रखी है। ये लकड़ी के साथ जो है ना इस पाइप को बांध देते हैं और फिर उसके हेल्प से ना पिलर में ऊपर तक पानी चले जाता है। बढ़िया, वो है ना कमाल की इनकी ट्रिक। ठीक है, मैं नहीं खोल रहा। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ना, ऐसे पाइप हार्ड हो जाती है ना, ऊपर तक चली जाती है आसानी से। ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश से बचने के लिए तसला सिर के ऊपर, छाता दूं। और इतनी तेज बारिश हो रही थी ना कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो बरसात ही शुरू हो गई है। पर फिर भी पिलर्स को पानी देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है तो भीगते नहीं है। और इस बेरहम बारिश ने देखो मेरे चूल्हे को भी बुझा दिया था। और श्रीमान जी अभी कर रहे हैं पानी वगैरह बंद ना यहाँ वहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब अंदर। और छुट्टियों में तो हमारा जो दिन है घर जाएंगे, घर में हमारी खेती बाड़ी के काम रहने वाले हैं। और भी सोच रही हूँ बहुत कुछ करने के लिए, पर पता नहीं कितना होता है ना, सोचते ही रह जाती हूँ। होता तो मेरा काम कम ही है, पर चलिए देखते हैं। फिर भी ये कितने गठे हो क्या हुआ इधर, जलाब लगी हुई इधर रुकी है क्या सोना था ना क्या जागना है के बराबर फिर सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए ना, ऋषि की चली हुई थी अपनी बुआ के साथ बातचीत फ़ोन पर। और ये ना इसको बड़े मुश्किल से अपने साथ बिठाकर ये भाभी के दाने जो है ना खिलाने पड़ते हैं हमें। तो फ्रेंड्स छुट्टियाँ शुरू हो गई ना, और जो मेरे पेंडिंग काम वो चालू हो गए हैं। तो एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना जिनकी जीप इस तरह से अलग हो गई है, एक साइड से ऐसे। तो अभी सोच रही थी कि पहले इन क्वेश्चंस को ना ठीक कर लूँ, क्योंकि जैसे चेंज करके जो ना क्वेश्चंस ठीक रहते हैं लगाने। तो काफ़ी दिनों से मेरी ये जो क्वेश्चंस है इसी की वजह से पड़े हुए हैं कि इनको मैं कैसे लगाऊं। तो बस ऐसा सोच रही थी ना कि अभी जो है ना ये जिप का काम मैं कर लूं। तो चलिए देखते हैं। और आसान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ काम रहता है। ये जो सिलाई है ना, वो सिलाई मैंने यहाँ से निकाल ली है, ये देख सकते हैं। और सिंपल सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे पॉइंट, ये जो है ना ये करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स ना कितने इजीली जो है ये जिप ऐसे डाली। और ये देखिए ये जो है ना ठीक हो गई। और बस अब जो है ना मैं अंदर से इसको एक टांका लगा दूंगी और ये नॉट बना दूंगी, बस ये ठीक हो जाएगा। तो कितना आसान होता है वैसे काम ना कोई भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखो उसको ना, और अपने आप आइडिया हो जाता है कि कैसे ना इस काम को किया है। और एकदम से उस काम को हम ईजिली जो है ना कर लेते हैं। और बस मुझे तो ऐसा ना दिन को टाइम लगता नहीं था और शाम को आके वैसे ही थके होते हैं, तो ऐसे काम करने का वैसे भी मन नहीं करता। तो अब आज से मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलिए ये जो पहला काम है ना
इस छुट्टियों का मैं ये कर लूँ। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना इजी था इस चेन को चढ़ाना। और ये मेरी कुशन ना बलाचंग का कुशन जो है कई दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसमें ये हो गया मेरा। तो हमें ना चेंज कर करके लगाना चाहिए, उससे थोड़ा सा नयापन आ जाता है कि हम कभी भी कुछ चीज़ चेंज कर करके यूज़ करते ना तो थोड़ी सी नई चीज़ ये देती। और ये थोड़ा पतला है तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक ही कुशन के अंदर डबल कुशन जो है यूज़ करती हूँ, उससे मेरे जो ये कुशन है ना वो मोटे हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ना फ्रेंड्स मोटा हो गया काफ़ी। तो अगर इस तरह से पतले पतले कुशन है आपके भी तो आप भी उनको मोटा कीजिए और ये इस तरह से बना दीजिए। और कुछ कुशन्स, ये वाला कुशन था ये भी पतला था, तो इसमें मैंने क्या किया ना, इसमें कुछ इस तरह की ये फोम जो थी ना मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो वो मैंने इसके अंदर फिलअप कर दिए, तो ये मोटा हो गया। और क्या किया है और भी चलिए दिखाई देती हूँ यार, ये देखिए तो ये भी मेरा मोटा हो गया कुशन। और ये वाला जो कुशन है ना फ्रेंड्स इसको भी देखिए कितना मोटा है ना हो गया है। तो इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर चलिए देखते हैं। इसके अंदर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एक जैकेट है जो कि यहाँ से चूहे ने खा ली थी ना, तो इस जैकेट को मैं किसी को दे भी नहीं सकती क्योंकि चूहे ने खा लिया है। और ऋषि को भी छोटी हो गई है और ये काफ़ी स्पंजी होती है और इससे भी ना हमारा कुशन मोटा हो जाता है। तो इस तरह की कोई आपके पास वेस्ट चीज़ें हैं ना तो आप उनसे भी अपने कुशन्स को मोटा, और ये देखिए कितना आराम से ऐसे दबता है, ये मेरा कुशन ये भी रेडी हो गया इससे। तो इस तरह से घर के अंदर के ये कबाड़ों से ना हम जुगाड़ कर करके अपनी सारी चीज़ों को नया बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। तो ये काम तो मेरा फ्रेंड्स हो गया आज के दिन का, अभी बहुत सारे और भी काम पेंडिंग हैं तो उनको भी करना है, पर अब देखते हैं मन कितना करता है काम करने के लिए। कि पहले तो ऐसे सोचते ना कि फर्स्ट डे है थोड़ा सा एक दो दिन आराम कर लें, पर अगर एक दो दिन आराम करने लगूंगी ना तब तक घर जाने की बारी आ जाएगी खेतों में काम के लिए, तो फिर मेरे काम फिर से रह जाएंगे। बंद और दबा ओवर है, ये भी देखिए ना ये भी जुगाड़ू तंत्र ही है, वो स्वीट्स का डब्बा है तो इसको मैंने यूज़ किया है धागे कंटेन करने के लिए, धागों को स्टोर करने के लिए। और ऊपर से काफ़ी भारी है तो ऊपर से मैं इसमें लगा देती हूँ एक रबड़ ताकि ये बिल्कुल बंद रहे। और चाहे तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं पर डेकोरेशन का इतना टाइम होता नहीं है कि कब करें, तो बस ऐसे ही मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बेकार सामान भी हमारे बहुत काम आता है, उनको फेंकने से पहले उसके रीयूज़ के बारे में अगर हम सोचें ना कोई ना कोई आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है और हम इन चीज़ों का रीयूज़ करके अपना जो है काम इजी बना देते हैं। सामान ऐसे मुझे जो अगर मैं बाज़ार में जाती ना ऐसा डब्बा स्टोर करने के लिए लाने के लिए तो फिर उसमें मेरे पैसे खर्च होते हैं, ऐसे मुझे फ्री में जो है धागा कंटेन करने के लिए डब्बा गिफ्ट का मिल गया। अभी एक कुशन कवर ये भी है, ये भी देखिए ये भी फट चुका है, यहाँ से इसकी सिलाई निकली हुई है वो भी मुझे अभी लगानी पड़ेगी। तो चलिए आज मैंने इनके कुशन चेंज किए थे ना तभी मुझे आइडिया आया कि यार क्यों ना ये जो कुशन पड़े हुए हैं ना, और ये कुशन तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे काफ़ी अच्छे थे, तो सोच रही थी कि ऐसे ना थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ आज इनको। और इन्हीं को चेंज करने के चक्कर में मुझे ये सारी चीज़ें याद आ गई। तो चलिए अब इनको जो है चेंज किए रख देते हैं कहीं पर, और इनको ना मैं ऐसे ही बंद करके जैसे एज इट इज पैकेट में आए होते हैं ना तो वैसे ही सेफली जो है मैं सारे अपने कुशन पैक करके रखती हूँ, क्योंकि अब बरसात भी आने वाली है और बरसात में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है ना तो थोड़ी सी स्मेल जैसे आना शुरू हो जाती है। तो मैंने ना अपने सारे जो कुशन कवर है ना इसी तरह से मेरी पैकेट में ये भी बंद करके इसी तरह से रखे होते हैं। और आज मेरा जो दूध है ना देखिए कैसे फट गया है, पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है, तो सोच रही हूँ इसका पनीर ही बना लूँ। तो दूध ये हमारा ठंडा हो चुका था ना तो फिर मैंने स्टेनर की हेल्प से इसको अलग कर लिया है, पानी इसका अलग कर लिया है, छेना इसका अलग कर दिया है, इसका बना लूँ मैं पनीर और बाकी जो पानी बचेगा ना उसको फेंकूँगी नहीं। एक्चुअली बड़े काम का होता है जो पनीर का पानी होता है ना, हमारे बहुत काम का होता है, इससे हम अपने फेस को अगर रेगुलर धोते हैं तो उसमें काफ़ी ग्लो आ जाता है और हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होता है
और बाल इससे काफ़ी सिल्की शाइनी और हेल्दी बनते हैं। और इसको चाहे तो आप आटा भी इससे गूंद सकते हैं और अपनी सब्जी में भी ना इसको ऐड कर सकते हैं। इससे एक नेचुरल सा खट्टापन जो है सब्जी के अंदर आता है और जो लोग वेट लूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खा पी कर थक गए ना, अगर वो इसको पीते हैं रेगुलर बेसिस पे तो उससे ना उनका वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। और साथ ही साथ में हमारे प्लांट्स जो होते हैं ना पौधे, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खाद जो है नेचुरल खाद का काम ये करती है, उनमें भी इनको डाला जा सकता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आप इसका ड्रिंक जो है बनाकर पी सकते हैं, जूस में डालकर इसको पी सकते हैं, मतलब जैसे दिल करे वैसे इसका ना यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रखने वाली हूँ फ्रिज के अंदर और फिर जो है इसका यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों के ऊपर। और जब मुझे फिर से पनीर बनाना होगा ना तो दूध को फटाने के लिए भी मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।